सबसे पहले हम यहाँ पर एक राउंड बनाएंगे जिसको हम स्क्रोल कहते हैं, ऐसे। अब यह हमारा स्क्रोल बन गया है, इसे हम आउटलाइन देंगे जिससे कि फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से देन अब हम ऐसे पेटल्स बनाएंगे, ऐसे। ये हमने 3 पेटल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। एंड हल्के हाथों से शेड देंगे। शेड देते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी शेडिंग जो है उसमें सफाई आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोन को बैलेंस करते हुए अच्छी तरह से प्रेस करें, और हर जगह बराबर प्रेस करना है। इतना हो जाने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर अंडरलाइन दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इन पेटल्स के इधर से ऐसी हम पेटल्स देंगे। मैं एक फ्लावर बनाकर आपको बताऊंगी स्लो मोशन में, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि शुरुआत में बनाने के लिए आपको अच्छे से देखना होगा। इस तरीके से इससे भी शेड देंगे। इस तरीके से शेड दे देंगे, ठीक है, और ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तरीके से ठीक है, बहुत इजी फ्लावर है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हो।